सुपर साइट। दोस्तों इस समय मैं भवाली से नैनीताल रोड पर हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आपके सामने है, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल घाटियों मकान देख रहा हूँ और बिल्कुल बादल नीचे घाटी में भरे पड़े हैं अगर आप देखें, और बादल उड़ रहे हैं। हम लोगों के ऊपर भी बादल हैं, ठीक है। इतना खूबसूरत दृश्य देखने को बहुत कम मिलता है, वो अलग बात है कि पहाड़ों पे तो अक्सर ही देखने को मिल जाता है। देखिए, ये देखिए बादल बिल्कुल उड़ते हुए नज़दीक से आ रहे हैं, बिल्कुल बादलों के बीच में हम सब लोग हैं। मनमोहक दृश्य, जो ऐसा लगता है कि परीलोक की कल्पनाओं में जो दृश्य देखने को मिलता है वो है। नीचे देखिए मकान है, छोटे छोटे, बड़े बड़े, हर तरीके के, और लाल हरे, बिल्कुल पहाड़ों पे ख़ास बात होती है कि वो कलर्ड मकान होते हैं, उनकी छतें कलर्ड होती हैं, तो ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बहुत मौके से मुझे दिख गया, ये मैं आपको बाबा नीक करौरी का जो भूमियाधार आश्रम है वहाँ का दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए ये मंदिर है, ये भूमियाधार गांव के पास हम लोग खड़े हैं, भूमियाधार गांव है ये, और यहीं पर बाबा नीप करौरी का आश्रम है। बाबा नीप करौरी ने इस एरिया में चार जगह उन्होंने प्रवास किया था, और उन्होंने अपने वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे। एक कैंची धाम, दूसरा कांकड़ी घाट, तीसरा भूमियाधार, और चौथा नैनीताल में हनुमानगढ़ी। तो उन्हीं चार में से एक आश्रम ये है, भूमियाधार का आश्रम। ये आप देख रहे हैं मंदिर का गुंबद है, यही आश्रम है। एक बार फिर से कैमरा मैं घुमा करके आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए पहाड़ों पे बादल उड़ते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे देखिए, मतलब हम लोग सब पहाड़ के बीच में, जिधर देखिए उधर बादल उड़ रहे हैं। एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ उड़ते हुए बादल हैं। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही दिल को छू लेने वाला दृश्य, प्रकृति की गोद में अद्भुत, बहुत अद्भुत।